हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम लोग ये जगह का नाम क्या है यार, मैं जगह का नाम भूल गया। जंतनवाला, करेक्ट, सॉरी गाइस, मैं नाम भूल गया था। तो ये देहरादून गड़ी के एंड से 5 किलोमीटर दूर है जंतनवाला। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे कितनी मस्त नदी चल रही है, और ये देखो मैं इसकी सराउंडिंग दिखा रहा हूँ आपको। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। तो आज सैटरडे था, तो मुझे मेरा ऑफ भी था, तो हम लोग ने सोचा कि चलो पार्टी करने चलते हैं। तो ये देखो हमारी टीम आ रखी है, और ये रहा हमारा कूपर। यहाँ पे चिकन बन रहा है। कूपर हाय बोल दो। वेरी गुड कुप्पू। तो गाइस मैं अभी आपको दिखाता हूँ कूपर कैसे नदी में नहाता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारा जुगाड़ चल रहा है, देसी जुगाड़, और चिकन ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो चुका है, तो अभी चल रही है। तो ये सोनू है, हाय, और ये मनोज है। मनोज से हाय। मनोज है, और ये हमारा हिमांशु है, नदी में नेटा हुआ है। यस, और ये रहा हमारा कूपर। ये आई थिंक हिमांशु को पता नहीं क्या कर रहा, सूंघ रहा है ये। तो गाइस मैं अभी चलता हूँ नदी के अंदर, आपको दिखाता हूँ कूपर मेरा फॉलो करेगा किस तरह से। ओ, और ये तो मैं भूल ही गया, मेरा छोटा जॉनी। गाइस तो मैं आपको बता देता हूँ, जॉनी का भी एक चैनल है। उसका नाम क्या है? जॉनी का एक चैनल है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। वैसे नाम अभी मुझे याद नहीं है, बट उसका चैनल है, तो आप उसके बहुत फनी वीडियोस देख सकते हो, कितना कोऑपरेटिव है कैट के साथ। जॉनी हाय करो। और ये रहा हमारा कूपर और जॉनी यहाँ पे साथ। एक्चुअली ये देखो, तो कूपर जहाँ जहाँ जाता है जॉनी उसको फॉलो करता रहता है। अभी मैं दिखाता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ, अगर ये उसको फॉलो करेगा तो वो कैप्चर करता हूँ आप इस वीडियो में। लेट्स गो गाइस, अभी नदी में चलते हैं हम लोग। और ये रहा कूपर, आजा। तो गाइस अगर कोई देहरादून आने का प्लान कर रहा है या घूमने का प्लान करता है, तो गाइस यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जगह कहाँ पे है और कौन सी जगह पे, कौन से स्पॉट पे आप पिकनिक मनाने आ सकते हो या वीकेंड पे टाइम स्पेंड करने आ सकते हो। गाइस कूपर कम। लगता है कूपर ने कुछ देख लिया वहाँ पे ना। कूपर वहीं देख रहा है, आई थिंक कोई जा रहा है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे कोई जा रहा है, तो कूपर उसी को देख रहा था। ये देखो कूपर हमारा। कूपर क्या देख रहा है, हैं? ये रहा हमारा कूपर। तो ये भी नदी में मस्ती करने के लिए आया हुआ है। आज इसकी ड्रेसिंग थोड़ी दूसरी कर रखी है हम लोग ने, ये देखो। यस, अभी लेके चलता हूँ इसको, कूपर को। कूपर आजा कम। गाइस ये बहुत ही प्यारी जगह है यार, मतलब अगर किसी के पास 1-2 दिन का टाइम हो ना, और वो आके रिलैक्स करना चाहता है या पिकनिक स्पॉट, एक छोटा सा पिकनिक स्पेंड करना चाहता है ना, राइट, तो आराम से यहाँ पे आ सकता है, आराम से डे स्पेंड करेगा। पानी का बोतल ले लेना, मस्ती करना, और बस आप अपना पूरा डे स्पेंड कर सकते हो। ये देखो मेरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, ये लोग अपनी ही मस्ती में लगे हुए हैं। और ये रहा हमारा कूपर। कूपर कम। तो कूपर का हाल ये है कि मैं जहाँ जाऊँगा कूपर मेरे को फॉलो करता रहता है, और उसका जॉनी है। जॉनी नहीं आ रहा। कूपू आ जा कम। कूपू तो गाइस ये देखो हमारा कूपू, ये आ रहा है हमारा कूपू, प्यार ऐसे कूपू। ये रहा कम कम कूपू। आउट से गाइस जब भी पिकनिक मनाने आओ तो प्लास्टिक का सामान लेके मत आओ, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मोस्टली भूल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लोग जानबूझ के प्लास्टिक का बोतल बाहर फेंक देते हैं, बट हमें भी वो लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते और वो वहीं पे भूल जाते हैं, राइट। तो गाइस वो ध्यान रखो, वो एनवायरनमेंट को ही ख़राब करता है, और जितना हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे उतना ही एनवायरनमेंट हमारा भी ध्यान रखेगा, राइट गाइस। वाह, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस।
तो आप लोग भी बताओ आप लोग कहाँ कहाँ पे रहते हो, अगर आप देहरादून आना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मे बी यू नो अगर मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली आपसे डायरेक्ट कॉल करूँगा एंड डायरेक्टली आपसे मिल सकता हूँ और आपको भी ये स्पॉट बता दूंगा, तो यू कैन गाइस एंजॉय। डेफिनेटली आप मेरा रेफरेंस ले सकते हो, अगर यहाँ पे आते हो तो मुझे कभी भी कॉल करो एंड आई विल डेफिनेटली एटलीस्ट गाइड यू। अगर मैं नहीं आ पाता पर्सनली, मिल नहीं पाऊँगा, तो डेफिनेटली आई विल गाइड यू गाइस, है ना। चलो ये दिखाता हूँ, मैं थोड़ा और आगे आ गया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लग रहा है कि मुझे थोड़ा गहरा पानी है। लेट्स सी, देखते हैं। लगता है, और यहाँ पे देखो गाइस इसके मेरे लेफ्ट साइड में ना इतना पहाड़ है, देखो ये पहाड़ है और ये रहा पानी, कितना सुंदर लग रहा है ये। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई लव इट। कूपर आ जा, कम कूपर को देखो, ये अभी मेरे पास आ रहा है, मैंने बुलाया तो। कूपर को भी आज मस्ती का टाइम मिल गया मेरे साथ। मैं एक्चुअली गाइस मैं मंडे टू फ्राइडे बिजी रहता हूँ अपने काम में और सैटरडे संडे मुझे फ्री मिलता है, तो सोचता हूँ कि थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले अच्छी तरह से, और वो भी एक दिन टाइम स्पेंड कर पाते हैं, दूसरे दिन अगेन काम होता है। तो ये रहा हमारा कूपर, पता नहीं क्या एक्सप्लोर कर रहा है यहाँ पे ये। ठीक है गाइस, तो मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया था कि आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ ये प्लेस के बारे में। जंतन वाला ये जगह का नाम है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। कभी आओ आप घूमने के लिए, आ सकते हो यहाँ पे, एक दो दिन टाइम स्पेंड करो। देहरादून आते हो तो एक दो दिन में से थोड़े दिन के लिए आप यहाँ पे भी आ सकते हो, आई मीन नॉट दिन, दो तीन घंटे के लिए, दो चार घंटे के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो एंड टाइम स्पेंड कर सकते हो गाइस। ये देखो कूपर ने कुछ देख लिया, वहाँ पे कुछ लोग आ रखे हैं, तो हमारा कूपर भौंक रहे। तो गाइस भूटे डॉग की स्पेशलिटी ये भी है, इसकी आवाज़ देखो, इसकी आवाज़ नॉर्मल डॉग्स की तरह पतली आवाज़ नहीं रहती, इसके आवाज़ में बहुत दम रहता है बहुत। ये देखो ये पीछे जा रहा है कूपर, ये उसने, अब कूपर ने कहा कि दूसरे को जाने नहीं देगा। कूपो कूपर, इसको देखना है मांचू, कूपर ओए, अरे वो काट लेगा, इसको बांध दो, इसको पकड़ लो, उसको तो मैं संभाल लूंगा। कूपर, अरे यार कूपू, डंडा कहाँ, डंडा चल, सॉरी गाइस वीडियो पे ये भी कैप्चर हो गया। जस बस आप जाओ, आप जाओ, सॉरी गाइस वीडियो पे कैप्चर हो गया। कूपर कूपर शांत हो, बस 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 शांत शांत, कूपर चल शांत हो, चल जाओ उधर, गो। ओके गाइस मैं ये अभी वीडियो बंद करता हूँ, इसमें कुछ उल्टा भी दिख गया कूपर के बारे में। कूपर थोड़ा एग्रेसिव है, ये मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है कि आजकल वो थोड़ा बड़ा हो गया तो एग्रेसिव हो रहा है दूसरे कुत्तों को देख के। कूपर अब नहीं जाएगा तू कहीं पे, ठीक है गाइस मैं वीडियो बंद करता हूँ, इसको कंट्रोल में लाना है मुझे। ओके थैंक यू, बाय बाय।